लॉकडाउन के दौरान आर्थिक सहायता के लिए कामगार हजाम सेन महासभा ने उपायुक्त हमीरपुर से गुहार लगाई है। कामगार हजाम सेन महासभा के पदाधिकारियों ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर जल्द आर्थिक सहायता मुहैया करवाने की मांग की है। इस अवसर पर महासभा के प्रधान संतोष कुमार के साथ कुठेड़ा पंचायत के पूर्व उप प्रधान व महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मदन लाल कौंडल की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा। लॉकडाउन के चलते करीब 2 महीने से सेन महासभा के पदाधिकारी बेकार हैं और अब प्रदेश सरकार ने अधिकतर दुकानों को खोलकर कुछ राहत जरूर दी है, मगर सैलून और ब्यूटी पार्लर आदि को बंद रखने की आदेश जारी किए हैं, जिससे सेन महासभा के सदस्यों को जीवन यापन करने में समस्या बनी हुई है। वहीं कई लोगों ने बैंक से कर्ज भी ले रखा है, जिससे भरने में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। सेन महासभा के प्रधान संतोष कुमार ने कहा कि उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर सरकार को भेजा गया है ताकि समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि इस व्यवसाय से जुड़े लोगों ने बैंक से भी कर्ज ले रखे हैं, ऐसे में किस्त देना भी मुश्किल हो गया है। इतनी समस्याएं गुजरे हैं, 2 महीने हो गए हमारी दुकानें बंद आई, तो हमारे कुछ सोचा जाए कि हम कुछ रास्ते में चले, हम आ रहे बच्चों पढ़ना मुश्किल हो गया है, किराया दुकानों का हमने ऋण ले रखा है वो भी उसकी किस्त देने मुश्किल हो गया हमें, तो प्लीज मोदी जी हमें इस समस्या से छुटकारा दिलाया जाए जल्दी। वहीं सेन महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मदन लाल कौंडल ने कहा कि 2 महीने से दुकानें बंद हैं और लॉकडाउन में बाकी दुकानें अब खोल दी गई हैं, लेकिन बार्बर की शॉप्स को अभी भी बंद रखा गया है, जिससे गरीब लोगों को जीवन यापन करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द ही इस समस्या का समाधान होना चाहिए। अपने जो हमारे जो सभी दुकानें खुल रही हैं और कॉम्बो की जितने भी हैं हमारे कामगार भाई जो है जो बेरोजगार बैठे हुए घरों के ऊपर बच्चे उनके जो मतलब रोज कमाते हैं और रोज खोते हैं, तो उनका साधन जो बिल्कुल बंद कर दिया गया है, तो हम सभी जितने भी हिमाचल प्रदेश के हमारे कामगार भाई हैं, हम प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी से और डीसी महोदय के जरिए हम मतलब एक विज्ञापन देने जा रहे हैं। तो हम ये बोलेंगे महामूर्ति साहब जी, जयराम जी, हमारे जो कामगार भाई हैं ये कहाँ से अपने बच्चों को पालेंगे, कहाँ से अपने रोजी रोटी का अपने इंतजाम करेंगे। ठीक है, हम बोलते हैं दुकानों के बारे में बोला कि सभी दुकानें खुल रही हैं, राशन की खुल रही है, कपड़े खुल रही है, हलवाइयाँ हाँ, मैक्सिमम दुकानें खुल रही हैं, सिर्फ हमारे जो अपने काम करने वाले जो हेयर कटिंग का काम करते हैं उनको लिए जो बैन लगाया गया है, तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ठीक है जैसे आपके देश हो गया हम उन देशों के ऊपर पालना करते हुए आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन की वजह से हम दुकानें बिल्कुल ही बंद कर दें, जो गरीब भाई घर में बैठे हैं सरकार की तरफ देख रहे हैं कि मोदी जी हमें कुछ देंगे, मोदी जी की तरफ से हमें कुछ आदेश होंगे, मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें कुछ आदेश होंगे, तो मैं मदन लाल कौंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश सियान समाज, मेरी अगुवाई में ये पूरी टीम हमारी आई हुई है, अभी हमारे 100-150 के करीब बंदे थे पर जैसे लॉकडाउन की वजह से हमने जो कम बंदे लाए हैं यहाँ पर हम अपने साथ, तो जल्दी ही हम इसके बारे में जो अपना मोदी जी की हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी हमारे बारे में कुछ सोचेंगे, मुख्यमंत्री जयराम जी हमारे बारे में कुछ सोचेंगे।